कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद आज भी इस मामले की फिर से सुनवाई हुई। इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में डॉक्टर से कहा था कि वो काम पर वापस चले जाएं। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई के केस को लेकर नई रिपोर्ट मांगी थी। बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस से ऑटोप्सी के दस्तावेज भी मांगे थे। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें सीबीआई को समय देना होगा। तीन जजों की बेंच ने कहा कि पीड़िता के माता पिता से भी सीबीआई की जांच टीम मिले, उन्हें जांच को लेकर जरूरी जानकारी दे, साथ ही घटना को लेकर उनकी तरफ से रखे गए सवालों की भी जांच करें। जूनियर डॉक्टर के लिए पेश वकील ने कहा कि घटनास्थल पर कई ऐसे लोग थे जिनका मामले से कोई संबंध नहीं था। कोर्ट ने उनसे कहा कि वो सील बंद लिफाफे में उन लोगों के नाम सीबीआई को सौंपे। डॉक्टर्स के एक समूह के लिए मौजूदा एक वकील ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सिर्फ 27 मिनट की फुटेज दी। इससे ऐसा लगता है कि कुछ छिपाने की कोशिश की गई। पीड़िता की जीन्स और कुछ और अहम चीजें पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजी गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सीबीआई ने जो बातें रिपोर्ट में बताई वो काफी परेशान करने वाली है। सीबीआई को कोलकाता पुलिस को समन भेजकर पूरी फुटेज मांगनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जूनियर डॉक्टर्स की सीएम से हुई बैठक में समझौते का पालन किया जाएगा। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। डॉक्टरों के काम और आराम की जगह अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। काम पर लौटने वाले डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जूनियर डॉक्टरों के लिए पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि काम पर लौटने का फैसला जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुनवाई का सीधा प्रसारण देख लोग सोशल मीडिया पर उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा जताया जा रहा है जैसे वो बलात्कारी की पैरवी कर रहे हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने सुनवाई का प्रसारण रोकने से साफ इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जोर जोर से बोल रहे वकील को भी चीफ जस्टिस ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, ये राजनीतिक मंच नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने को कहे तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कोर्ट का काम नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने कहा, मेरे चैम्बर में मौजूद महिलाओं को धमकी मिल रही है और मेरे बारे में कुछ पोस्ट भी है कि मैं हंसता हूँ। मैं कब हंसा? ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर एसिड फेंक दी जाएगी और रेप किया जाएगा। जमीन पर मौजूद लोग ऐसा कह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल का दावा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश होने के चलते ये धमकियां मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।